अगर आपने ये दो बातें जान ली, फिर आप हजार बार भी दही बड़ा बनाइए, आपका दही बड़ा 100% ऐसा ही नरम, सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाला, जालीदार और स्पॉन्जी ही बनेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फेस्टिवल स्पेशल, बिल्कुल हलवाई स्टाइल, शादियों स्टाइल, सुपर सॉफ्ट, रुई जैसे नरम स्पॉन्जी दही भल्ले की रेसिपी। बिना किसी सोडा, बिना किसी मेहनत, हलवाई की दो ऐसी खास ट्रिक्स आपको बताने वाली हूँ, साथ ही आपको बताऊंगी दही भल्ले वाली दो स्पेशल चटनी। तो चलिए होली की ये स्पेशल रेसिपी शुरू करते हैं। एकदम नरम, मुलायम और टेस्टी दही बड़ा बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने ली है उड़द दाल और मूंग दाल। ये जो मैं रेशो आपको बता रही हूँ, इससे जो आपके दही बड़े हैं वो ज्यादा टेस्टी भी बनेंगे, बहुत ही लाइट बनेंगे टेक्सचर में, और खाने में आपको ज्यादा हैवी फील नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने ली थी आधा कप उड़द दाल और आधा कप मूंग दाल। दोनों ही दाल को मैंने लगभग 3 से 4 घंटे पहले पानी में धो करके अच्छे से भिगो दिया था। भीगने के बाद सारा पानी मैंने निकाल दिया है और आप देखिए दाल एकदम बढ़िया से फूल गई है। ये जो रेशो है, इससे दही बड़े में ज्यादा बढ़िया टेक्सचर और टेस्ट आता है। आप चाहें तो इसको पूरी तरह से उड़द दाल से भी बना सकते हैं, या फिर आप इसमें किसी एक दाल का रेशो ज्यादा रख सकते हैं, एक को थोड़ा कम रख सकते हैं, पर इस तरह बनाएंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। अब आप लीजिए एक ग्राइंडिंग जार, और ग्राइंडिंग जार में हम सारी ये उड़द दाल, साथ ही इसमें हम डाल देंगे हमारी भीगी हुई मूंग दाल। आप चाहें तो दोनों दालों को रात को एक साथ भी भिगोकर रख सकते हैं। इसमें जाएगा बस 2 से 3 बड़े चम्मच पानी, बहुत ज्यादा पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे क्योंकि हमें बैटर को गाढ़ा ही रखना है। अब यहाँ पे सबसे जरूरी पॉइंट, दाल को हमें दरदरा पीसना है, बिल्कुल भी फाइन पेस्ट नहीं बनाएंगे, हल्का सा मोटा टेक्सचर, जिससे कि जो दही बड़े वो खाने में टेस्टी ज्यादा लगेंगे, उनकी लुकिंग, उनका टेक्सचर बढ़िया आएगा। और ये देखिए मैंने दाल को बिल्कुल बढ़िया से पीस लिया, ये देखिए इस तरीके का गाढ़ा, पतला कर देंगे तो फिर परेशानी हो जाएगी, अच्छी शेप नहीं आ पाएगी बड़े की। और देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ इस तरीके का दरदरा टेक्सचर। सारे दाल के बैटर को हम एक बड़े बोल में निकाल लेंगे। अगर आपको ज्यादा थिक लगे, पिस ना पाए, तभी आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें। तो लीजिए बैटर हमारा रेडी हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे कुछ फ्लेवरफुल चीजें। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले जाएगा स्वाद अनुसार नमक, 1/4 छोटी चम्मच हींग। अब यहाँ पर हमें दाल की पेस्ट को बहुत ही बढ़िया तरीके से फेटना है, जितना अच्छा आप इसे फेट लेंगे उतने ही स्पॉन्जी, फ्लफी, एकदम लाइट लाइट आपके फूले फूले बड़े तैयार होंगे। किसी सोडा, बेकिंग पाउडर, किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस इस तरह आप फेटते जाइए। जो रंग अभी आप देख रहे हैं ना, इससे भी हल्का हो जाएगा, और जो क्वांटिटी है उससे ये आपको दुगना सा लगेगा, बिल्कुल फ्लफी सा हो जाएगा। अब जैसे ये मैं हाथ से फेट रही हूँ, आप चाहें तो इसको, अगर आपके पास हैंड विस्कर हो इलेक्ट्रिक वाला, उससे भी फेट सकते हैं। 5 से 6 मिनट आपको बिल्कुल बढ़िया से एक ही डायरेक्शन में इसे फेटता जाना है। और अभी आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, अगर मैं पहले से देखे कंपेयर करूं, पहले इसका कलर डार्क सा था और अभी देखे कैसा ये व्हाइट हो गया है, बिल्कुल क्रीमी एकदम, ऐसा आपको इसको फेटना है बिल्कुल बढ़िया से। इसके लिए एक बहुत ही अच्छा टेस्ट कि हमारे दही बड़े के लिए जो बैटर हमने तैयार किया है वो फ्लफी हुआ है नहीं। आप लीजिए एक बोल में पानी और इस तरह से एक पकौड़ी छोटी सी डालकर देखिए, ये देखिए जैसे ही मैंने डाला पकौड़ी तुरंत ऊपर आ गई, इतनी लाइट हो गई है कि इस रेसिपी में आप ये वाली टिप्स अगर फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट एकदम 100% परफेक्ट मिलेगा। अब बैटर में हम डालेंगे लगभग 1 बड़े चम्मच के करीब मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है, और 1 अदरक के टुकड़े को इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है। इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है बड़े में, पहले मत डालिएगा वरना हाथ से फेटते वक्त मिर्च पूरी हाथों में लग जाएगी। और अब यहाँ हम बैटर को लगभग 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे, इससे इसका रिजल्ट और भी बढ़िया आएगा। जल्दी हो तो तुरंत ही बना सकते हैं, पर अगर टाइम हो तो आप जरूर रखिए। कढ़ाई में सबसे पहले ऑयल को डालकर हम एक मीडियम फ्लेम पर गरम कर लेंगे। एक छोटी सी पकौड़ी इस तरह डालकर देखेंगे, और ये देखिए कुछ क्षण के बाद पकौड़ी एकदम से ऊपर आ गई। बस इस तरीके का हमें मध्यम गरम तेल चाहिए होगा। हाई फ्लेम पर दही बल्लों को बिल्कुल भी फ्राई नहीं करेंगे, वरना ऊपर से लाल हो जाएंगे, अंदर से सिक नहीं पाएंगे। इस तरह हाथ में लीजिए, चाहे तो आप स्पून से भी डाल सकते हैं, और तेल में इस तरह डालते जाएंगे। मैं ज्यादा बड़े बड़े नहीं बना रही हूँ, आप चाहें तो बड़े साइज के भी बना सकते हैं। एक्चुअली जो दही बड़े होते हैं ना पकौड़ियाँ, वो थोड़ी छोटी अच्छी लगती हैं। और देखिए हल्का था बिल्कुल बैटर, तो कैसे ये ऊपर आती जा रही हैं, और अपने साइज में भी ये बिल्कुल धीरे धीरे आप देखेंगे डबल हो जाएंगी। अभी मैंने फ्लेम को कर दिया है लो मीडियम, कढ़ाई में जितनी स्पेस हो उस हिसाब से आप इसमें एक बार में पकौड़ियां डालें। और ये देखिए इतना हल्का बैटर है कि जैसे जैसे मैं पकौड़ियां डाल रही हूँ, आप देख सकते कैसे ऊपर आ रहे हैं बॉल की तरह से, फूले फूले, और अभी देखिएगा किस तरह से ये एकदम डबल हो जाएंगे साइज में।
अभी बिल्कुल टच नहीं करेंगे, जब ये हल्के से ऊपर से एक फर्म लेयर इस पर आ जाएगी तब हम चम्मच से इसको रोटेट कर देंगे। बस इस तरह जब ये हल्के से गोल्डन से होने लगे एक चम्मच से आप रोटेट कर दें। देखिए क्या मस्त हमारे दही वड़ा तैयार हो रहे हैं। तो चलिए जब तक हमारे दही बड़े की पकौड़ियाँ सिख रही हैं, फटाफट से एक करते हैं छोटा सा काम। एक बोल में लेंगे हम गर्म पानी और गर्म पानी में डालेंगे थोड़ा सा नमक, बहुत ज्यादा गर्म नहीं, हल्का गर्म पानी, और साथ ही इसमें जाएगी थोड़ी सी हींग। दही बड़े बनने के बाद तुरंत ही हम इसको गर्म पानी में डालेंगे जिससे वो अंदर तक पानी को अब्सॉर्ब कर लेंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे एकदम नरम, और हींग का जो फ्लेवर है वो अंदर तक बड़े में समा जाएगा। एक करछी से उलट पुलट करते हुए बिल्कुल बढ़िया गोल्डन फ्राई करेंगे, बहुत ज्यादा भी हमें इसको कलर नहीं देना है, हल्के रंग में। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया गोल्डन हमारे दही बल्लों में कलर आ गया है, तो फटाफट सारी ही पकौड़ियां हम निकाल लेंगे। और ये देखिए एकदम बढ़िया हमारे वड़े बन करके तैयार हैं, आप ये देख सकते हैं इसका टेक्सचर। और बिल्कुल इसी तरह हम अपने सारे वड़े तैयार करेंगे, और बस चम्मच से इस तरह से कर देंगे रोटेट, और देखिए क्या मस्त गोल गोल घूम रहे हैं, कितने सुंदर हमारे वड़े तैयार हुए हैं। और हमारे सेकंड बैच के भी बड़े बिल्कुल बढ़िया से फ्राई हो गए, देख सकते हैं आप क्या मस्त लग रहे हैं, ऐसे ही खाने को मन हो जाएगा, तो इसको भी हम निकाल लेंगे। और ये लीजिए हमारे दही वड़े के वड़े बन करके बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं ये कितने बढ़िया बने हैं। मैंने पानी में अभी इसलिए नहीं डाला क्योंकि मुझे आपको दिखाना था कि ये अंदर से कैसे बने हैं। ये देखिए अभी काफी गर्म है, पकड़े भी नहीं जा रहे हैं। अब आपको जितने इसमें से चाहिए अभी अगर बनाने हैं तो आप गर्म पानी में डालिए, अगर आप इन्हें स्टोर करना चाहते हैं तो पूरे 14-15 दिन के लिए आप इन्हें स्टोर भी कर सकते हैं, एक एयर टाइट बॉक्स में बस इस तरह से रख दीजिए, फिर जब दिल चाहे निकालिए, चाहे दही बड़ा बनाइए या फिर आप सांवर बनाकर उसमें डालकर इसे एज अ सांवर बड़ा भी खा सकते हैं, या फिर आप इसको रसम वड़ा, कांजी वड़ा, कुछ भी बना करके इसको यूज कर सकते हैं। होली वाले दिन बस निकालिए, एक घंटा पहले गर्म पानी में डालिए और दही में डाल करके आप अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। और वड़ों को मैं डाल रही हूँ हमारे तैयार गरम पानी में, गरम वड़े हैं, पानी भी गरम होना जरूरी है, ठंडे पानी में आप बिल्कुल ना डालें वरना बहुत देर तक आपको भिगोना पड़ेगा। इस तरह से डालेंगे सिर्फ 5-6 मिनट, आप इसको भिगोइए बिल्कुल अंदर तक नरम हो जाएंगे। तो चलिए जब तक हमारे बड़े पानी में सोख हो रहे हैं फटाफट तैयारी करते हैं दही बड़े का स्वाद डबल कर देने वाली दो तरह की चटनी, यानी हरी चटनी और मीठी चटनी। सबसे पहले बनाते हैं चटकारेदार हरी चटनी। ग्राइंडिंग जार में मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 कप फ्रेश हरा धनिया, अच्छी तरीके से धो करके बस इस तरह डाल दीजिए। साथ ही यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा सा पुदीना, ऐसे समझ लीजिए 1/4 कप के करीब, 3 से 4 हरी मिर्च अपने स्वाद के अनुसार जितनी चटपटी आपको चाहिए। साथ ही डालेंगे 4 कली लहसुन की, साथ में जाएगा इसमें स्वाद अनुसार नमक, 1/4 छोटी चम्मच डालेंगे काला नमक, बहुत अच्छा स्वाद आता है चटनी में। 2 पिंच हींग, बहुत बढ़िया लगती है इससे चटनी। 1/4 छोटी चम्मच डालेंगे जीरा। अब यहाँ पर इसमें मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच सिंगदाना यानी कि मूंगफली, साथ ही यहाँ पर डालेंगे इसमें 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस, यहीं पर डालिएगा कलर अच्छा आएगा, और सिर्फ 2 बड़ा चम्मच डालेंगे पानी और बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। तो लीजिए हमारी दही बड़े वाली हरी चटनी है बिल्कुल तैयार। अब फटाफट बनाते हैं मीठी चटनी एकदम इंस्टेंट। आप लीजिए एक कोई चायदान या इस तरीके का पैन ले लीजिए, इसमें मैं डाल रही हूँ लगभग 3 बड़ा चम्मच इमली, जो सीडलेस इमली होती है ना, मैंने बीज हटा दिए हैं इसके, और इसी के साथ यहाँ पर हम डालेंगे 4 बड़ा चम्मच गुड़ यानी जैगरी। गुड़ को मैंने ग्रेटर से क्रश कर लिया है जिससे जल्दी से घुल जाए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ लगभग 1 कप से थोड़ा सा कम पानी। अब पैन को चढ़ाएंगे गैस पर और इस तरह से बढ़िया से इसमें बॉईल आने देंगे जिससे सब चीजें एकदम घुल जाएं और इमली बिल्कुल मुलायम हो जाए। इस तरह से चलाते हुए लो मीडियम फ्लेम पर हमें मीठी चटनी को थोड़ा सा गाढ़ा कर लेना है। और ये देखिए एकदम बढ़िया गाढ़ी हमारी मीठी चटनी हो गई है। अब एक बोल लेंगे और बोल पर एक छलनी लगा करके इस पूरे मिक्स को हम छान लेंगे, जो भी इसमें रेशे वगैरह होंगे वो सब अलग हो जाएंगे। और ये लीजिए मैंने बिल्कुल बढ़िया से पूरे मिक्स को छान लिया है, ये देखिए। तो बस इसमें अब डालेंगे कुछ फ्लेवरफुल मसाले, 1/4 छोटी चम्मच डालेंगे काला नमक, थोड़ा सा डालेंगे सफेद नमक, थोड़ा सा जाएगा लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच भुना जीरा पाउडर और 1/4 छोटी चम्मच डालेंगे गरम मसाला, इसमें सारे मसाले होते हैं ना, सब चीजों को बिल्कुल बढ़िया से मिक्स कर देंगे। तो लीजिए हमारे दही बड़े की मीठी मीठी इंस्टेंट वाली चटनी है बिल्कुल तैयार। अब बनाते हैं दही बल्लों के लिए एकदम बाजार के जैसा स्मूथ और क्रीमी दही। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल ताजा दही लिया है, घर का जमा हुआ दही है, और थोड़ा गाढ़ा दही लिया है। अब दही को एक बिस्कर या एक मथरी से ना बढ़िया से फेंट लीजिए, दही बिल्कुल भी खट्टा मत लीजिएगा वरना दही बड़े का टेस्ट ना अच्छा नहीं आएगा। ये देखिए एकदम स्मूथ क्रीमी, और इसमें यहाँ पर मैं डाल रही हूँ
दो छोटे चम्मच चीनी, इससे ना मीठा मीठा दही सा हो जाता है, बिल्कुल एकदम बढ़िया लगता है दही भल्लों में। साथ ही डालेंगे 1/4 छोटे चम्मच नमक, बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि सभी चीजों में नमक है। अच्छा, दही को अगर अभी यूज नहीं करने वाले हो ना तो नमक बिल्कुल जब आप सर्व करें उसी टाइम पर इसमें मिक्स कीजिएगा, वरना दही ना खट्टा हो जाता है, पानी भी छोड़ देता है। और ये लीजिए, एकदम क्रीमी स्मूथ हमारा चाट वाला दही है बिल्कुल तैयार। तो इसको रखते हैं अलग, देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। और ये देखिए हमारे बड़े कितने बढ़िया फूल फूल कर साइज में डबल हो गए हैं, ये देख सकते हैं आप। कितने छोटे मैंने बनाए थे, और ये देखिए क्योंकि ये अंदर से बिल्कुल जालीदार और स्पंजी है इसलिए इसमें अंदर तक पानी अब्सॉर्ब हो गया, और आप देख सकते हैं अभी इसका साइज भी। चलिए तो फटाफट से अपने दही बड़ों को करते हैं सर्व। पहले इस तरह से लगा लेंगे अच्छी तरीके से, इस तरह से थोड़ा सा ज्यादा दही हम डाल देंगे। आप दही भल्लों को पहले ही दही में डाल करके भी रख सकते हैं, मैं आपको पूरा प्रेजेंटेशन दिखा रही हूँ कि किस तरह आपको करना है, इसलिए मैंने इस तरह सर्व किया। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर डालेंगे हरी वाली चटनी, बिल्कुल इस तरह थोड़ी थोड़ी सी चटनी डाल देंगे। अब डालेंगे मीठी चटनी, बनाते बनाते वक्त तक ही मुंह में पानी आ जाएगा। और अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़े से मसाले। तो ये मैंने लिए मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ा सा काला नमक और चाट मसाला। तो सबसे पहले डालेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर, बिल्कुल इस तरह, और साथ ही जाएगी ये मोटी कुटी हुई लाल वाली मिर्च, ये बड़ी सुंदर लगती है इसके ऊपर। और थोड़ा सा डालेंगे काला नमक, बिल्कुल इस तरह, और चाट मसाला। अब बताइए, मेहमान भी पूछेंगे कि ये वड़े आपने घर में बनाए, इतने सुपर सॉफ्ट, यम्मी, टेम्पटिंग। और ये देखिए हमारे बहुत ही स्वादिष्ट, एकदम नरम, परफेक्ट दही बड़े हैं बिल्कुल तैयार। अब आप इन्हें दही भल्ला बोले या दही पकौड़ी, मजा आ जाएगा। चलिए मैं फटाफट से ना, जब तक दोने में ना सर वो मजा नहीं आता है दही भल्ले का, तो मैं दोने में भी आपको दिखाती हूँ बिल्कुल मार्केट स्टाइल। एक लेंगे ये मार्केट स्टाइल दोना, और फटाफट से इसमें अपने यम्मी से दही बड़े लगाएंगे, और फटाफट बिल्कुल इसी तरह से सजा लेंगे। तो ये लीजिए हमारे बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी, मुंह में घुल जाने जैसे दही बड़े हैं बिल्कुल तैयार। और आपने देखा इन्हें बनाना कितना आसान है, जो टिप्स मैंने आपको बताई है उनका ध्यान रखिए, आपके भी बेस्ट बनेंगे। और ये देखिए इसका टेक्सचर, आप मेरे काटने से ही समझ सकते हैं कि बिल्कुल रुई जैसा नरम बनाए। और ये देखिए इसकी जाली है ना, एकदम जालीदार और लाइट लाइट फ्लफी। यकीन मानिए आपने एक बार इस रेसिपी को ट्राई कर लिया, आप बार बार बनाएंगे, और दही बड़े तो आप हमेशा ही मेरी रेसिपी से बनाएंगे। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक शेयर, और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।